हेलो एवरीवन वेलकम टू एडिट एप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज के हमारे सेशन में और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं के क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बहुत आसान ट्रिक कि किस तरीके से हम बेसिक कंसेप्ट का यूज करके ही उस ट्रिक को ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हैं सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें तो डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है ट्रेन के जो कंसेप्ट से रिलेटेड है वो आप सबके स्क्रीन पे है अब क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज सेवन रेशियो नाइन जो गुड्स ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है उन दोनों की स्पीड का जो रेशियो है वो सेवन रेशियो नाइन है इन सेम डायरेक्शन फ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसिस द गुड ट्रेन इन सिक्सटी सेकेंड वाइल ए पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉस द गुड ट्रेन इन थर्टी फाइव सेकेंड ठीक है भाई तो फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन तो आपको बताना है कि दोनों के लेंथ में रेशियो क्या होगा देखो ट्रेन के कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा ये पहले अगर आपने ट्रेन पढ़ी हुई होगी तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे थोड़ा सा कि एक तो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी सेम डायरेक्शन होती है जब भी दो ऐसे आर्टिकल जिनमें मूवमेंट हो दोनों की अपनी अपनी स्पीड हो किसी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमेशा जो रिलेटिव स्पीड बनती है वो डिफरेंस ऑफ स्पीड बनती है और जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सम ऑफ स्पीड होती है तो यहां पर अगर मैं बात करूं मान लीजिए जो गुड्स ट्रेन है गुड्स ट्रेन की अगर स्पीड जो है वो रेशियो पैसेंजर के साथ सेवन रेशो नाइन है तो मान लीजिए ये सेवन मीटर पर सेकेंड है और जो पैसेंजर ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो नाइन मीटर पर सेकेंड है क्योंकि दोनों का रेशियो सेवन रेशियो नाइन है तो जो रिलेटिव स्पीड बनेगी यहां से वो क्या बनेगी रिलेटिव स्पीड हमेशा डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा भाई तो ज्यादा वाली स्पीड में से कम वाली माइनस हो जाएगी तो नाइन माइनस सेवन तो टू मीटर पर सेकेंड बनेगी यहां पर ठीक है और जब यह गुड्स जो पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है तो सिक्सटी सेकेंड का टाइम लेती है तो टाइम हमारे पास कितना है सिक्सटी सेकेंड और जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो हमेशा जो डिस्टेंस बनता है वो दोनों ट्रेन की लेंथ का सम होता है ठीक है भाई तो यहां पे जो डिस्टेंस बनेगा डिस्टेंस का सेम है टाइम इंटू स्पीड होता है तो यहां पे 2 into, क्या हो जाएगा भाई 60, तो यानी कि जो डिस्टेंस हो गया वो वन ट्वेंटी मीटर हो गया बट यहां पे डिस्टेंस क्या होगा जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो दोनों ट्रेनों की लेंथ होती है यानी कि गुड ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो वन मीटर के इक्वल है भाई क्लियर है अब आगे क्या कह रहा है कि वाइल ए पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉसिस द गुड ट्रेन इन गुड ट्रेन इन 35 सेकेंड अब पैसेंजर ऑब्जर्व कर रहा है ठीक है भाई तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है ना तो उस टाइम पे उसी ट्रेन की ही लेंथ क्रॉस होती है ठीक है तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि जो गुड ट्रेन होगी वही तो क्रॉस कर रही है ना आदमी को अब पैसेंजर इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉस इज द गुड ट्रेन तो दैट मीन उस पैसेंजर ने भी लेंथ किसकी क्रॉस करी होगी गुड्स ट्रेन की क्रॉस करी है तो यहां पे लेकिन स्पीड क्या होगी यहां पे मैन की स्पीड वही होगी जो उस ट्रेन की स्पीड है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है नाइन तो दैट मीन मैन की स्पीड भी यहां पर कितनी है मैन की स्पीड भी नाइन मीटर पर सेकेंड है भाई और जो जिस ट्रेन को क्रॉस कर रहा है गुड्स ट्रेन को उसकी स्पीड कितनी है सेवन मीटर पर सेकेंड और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां से भी रिलेट स्पीड क्या बनेगी रिलेटिव स्पीड बनेगी टू मीटर पर सेकेंड क्योंकि सेम डायरेक्शन है क्लियर है अब ये देखो कि ये जो गुड ट्रेन है या जो आदमी है वो गुड ट्रेन को कितने टाइम में कवर कर रहा है तो वो 35 सेकंड में कवर कर रहा है और जब आदमी किसी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो मतलब तो, तो, तो जो गुड ट्रेन है उसकी तो लेंथ आगी सेवेंटी मीटर जो पैसेंजर और गुड दोनों का समय है वन ट्वेंटी देट मीन पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी फिफ्टी मीटर तो हमसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो लेंथ ऑफ गुड ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन तो तो दोनों में जो रेशियो बनेगा वो सेवन रेशियो फाइव बनेगा यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बट क्या यही एक तरीका इसको सोचने का अब नॉर्मली भी तो सोच सकते थे ना अगर पैसेंजर ट्रेन में बैठा आदमी गुड ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो दैट मीन यहां पे जो रिलेटिव स्पीड बन रही है वो दोनों केस में सेम सेम बन रही है ठीक है क्योंकि एक बार पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया और एक बार जब आदमी ने क्रॉस किया तो तब भी आदमी की स्पीड भी तो वही होगी सेम तो जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो आपका जो रेशियो टाइम का होगा वही सेम रेशियो स्पीड का भी होगा भाई सॉरी डिस्ट, लेंथ डिस्टेंस का भी होगा क्योंकि यहां पे क्या होगी स्पीड कांस्टेंट होगी दोनों के इसके अंदर और. और अगर दोनों के इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होगी तो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों का जो ए, रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा यहां पे जो टाइम का रेशियो है वही उसका रेशियो है तो यानी कि गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा 35 फाइव सेकेंड और अगर मुझे दोनों ट्रेन के बो टोटल टाइम में से जब गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस करती है तो उस ट्रेन टाइम में से अगर गुड्स ट्रेन का टाइम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो किसका बचेगा पैसेंजर का तो यानी कि ये तो हो गया 35 और ये हो गया टोटल टाइम 60 है तो पैसेंजर ट्रेन का कितना गुड्स ट्रेन का कितना है थर्टी फाइव तो पैसेंजर का कितना टाइम बच गया भाई ट्वेंटी तो जो रेशियो यहां पर टाइम में होगा वही रेशियो डिस्टेंस में भी होगा तो दैट मीन्स फाइव से कैंसिल हो गया ये हो गया सेवन रेशियो फाइव क्लियर है यह बात ध्यान रखिए ना इसके पीछे लॉजिक क्या है क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट होगी स्पीड कॉन्स्टेंट क्यों होगी क्योंकि यहां पे हमने देखा है कि जब पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो तब भी रिलेटिव स्पीड टू मीटर पर सेकंड आ रही है और जब पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा आदमी गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तब भी रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है टू मीटर पर सेकेंड तो यानी कि और जब भी आदमी किसी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो दैट मीन ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही होगी या ट्रेन जब आदमी को क्रॉस करेगी तो किसको क्रॉस करती है अपनी लेंथ लेंथ को को तो दैट गुड ट्रेन अपनी क्रॉस करती थर्टी फाइव सेकंड में और दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है सिक्सटी सेकंड में तो अगर दोनों ट्रेन के टाइम में से गुड ट्रेन का टाइम सपरेट कर दूं तो किसका आ गया पैसेंजर का तो ये हो गया थर्टी फाइव यह होगा सिक्सटी माइनस थर्टी फाइव ट्वेंटी तो रेशियो कितना हो गया सेवन रेशियो फाइव तो इस तरीके से मतलब बेसिक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए ट्रेन का तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे अगर आपको यही नहीं पता रिलेटिव स्पीड क्या होती है या डिस्टेंस कैसे लेते हैं तब नहीं बन पाएगा ठीक है भाई देखो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे ए गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन डी टू द्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक एंड क्रॉस्ट हिज ट्रेन कंप्लीटली इन सिक्सटी सेकंड वेयर एज ए पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन लुक्स दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन फोर्टी सेकंड तो फाइंड

तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत